हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बनाएंगे गोभी के मोमोज। ये देखिए, हमने गोभी ले ली है 1 किलो, जिसको हम अच्छे से धो के काट लेते हैं। इधर ये देखिए, हमने गोभी को काट लिया है और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और लहसुन को हम अच्छे से गोल्डन होने देंगे। तो ये देखिए, गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। अब प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई मिर्ची और इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। अब गोभी को हम डाल देते हैं इसी में। इसको भी अच्छे से हम मसाले में भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब इसको हम ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए। इधर हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा लिया है, तो इसे में हम रोटी के लिए भी आटा गूंथ लेंगे। ऐसे में मोमोज भी बन जाएंगे, दोनों चीज़ बन जाएंगे। तो इसमें हम सरसों का तेल मिला रहे हैं। आप चाहे तो रिफाइंड भी मिला सकते हैं, सरसों का तेल भी मिला सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप मिला सकते हैं। तब इसको हम पानी डालकर अच्छे से आटा को तैयार कर लेते हैं। अब इधर हम गोभी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी गोभी अच्छे से पक रही है, इसमें पानी निकल आया है। तो इसी पानी से हमारी गोभी अच्छे से पक जाएगी, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम करीब 5 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। तो इधर ये देखिए, आटा हमारी बेटी गूंथ रही है। अब इसको हम गोभी को फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, हमारी गोभी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती तो ये हमारी गोभी अच्छे से पक गई है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इधर हम आटा देखिए, आटा लगभग हमारा तैयार हो गया है। अब इधर हम बड़ी सी लोई लेंगे और इसको रोल करते हुए छोटे छोटे बॉल्स में इसको हम काट लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से सब काटने हैं एक साइज के। आप चाहें तो एक बड़ी सी लोई लेके और इसको रोटी के जैसे बेल के गिलास से भी काट सकते हैं। इस तरह क्या है कि जल्दी हो जाता है एक एक बेल के। तो ये देखिए, इसी तरह से एक एक करके हम बेल लेंगे। तो इसी तरह से 2-4-5 बेल के अच्छे से इसको हम पहले रख देंगे। तो देखिए, हमने बेल लिया है। ये देखिए, हमारी स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तब इसको हम इसी पूड़ी के अंदर भरेंगे। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लेके इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो गोल वाला भी बना सकते हैं। एक तरफ से सीधा ही रखना है और एक तरफ से लेके और चिपका देना है। ये देखिए, आप जो भी शेप पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे मोमोस बन गए हैं। इसी तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए, ये हम गोल वाला बना रहे हैं।
ये देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए घुमाते हुए इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो हमारा गोल वाला मोमोस बन गया। तो इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मोमोस अच्छे से तैयार हो गए हैं, चार पांच हम गोल वाले बनाए हैं, बाकी इस तरह से बनाए हैं। तो चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो ये देखिए हमने तेल डाल दिया है, इसमें हमने जो गोभी पकाई थी उसी कढ़ाई में हम बना रहे हैं। तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। आप इसमें चाहे तो जो भी मसाला मिला सकते हैं, टमाटर है, प्याज है, जो भी पसंद हो आप मिला सकते हैं। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जैसे मोमोज भाप में पकाते हैं तो उसी तरह से हम ये मसालों के साथ हम पकाएंगे। इस तरह से क्या है कि बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक एक करके इसको अच्छे से हम इसी में डाल देंगे। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा एक बारी, बहुत टेस्टी मोमोस लगते हैं। ये मसालों के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें चटनी की भी ज़रूरत नहीं होती, बस एक उठाओ और खाओ। ये आटे के मोमोस हैं, आप जो भी पसंद हो मैदे से भी बना सकते हैं। तो इसको हम साइड में करते हुए मोमोस को डालते जाएंगे। तो देखिए हमने सारे मोमोस को डाल दिया है, और इसको हल्के हल्के कलछी से हिलाते हुए इसको हम साइड में करते हुए इसको मसालों के साथ मिला देंगे। इसको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो कट जाएंगे। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है, अब इसको हम ढक देंगे। तो देखिए अब इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे, वैसे तो गुजिया में नमक है पर हल्का से ऊपर से हम डाल देंगे। इसको हम पलट पलट कर सब अच्छे से मिला देंगे, नमक भी मिल जाएगा अच्छे से। ये फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगते हैं, इसको बनाइएगा ज़रूर। तो ये देखिए ये हमारे मोमोस पक गए हैं, ये नीचे से बहुत क्रंची हो गए हैं। इसको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो ये आटे के मोमोस हैं, ये कट जाएंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इसको बनाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हमारे आटे के मोमोज तैयार हो गए हैं, ये देखिए। अब मिलेंगे नई रेसिपी।